दोस्तों पेश है अरमांडो जेगरी की लिखी हुई कहानी तालका दियां रातां। ये कहानी ऋषि हिरदेपाल ने अनुवाद की है ते तुहाडे लई हाजिर है जगसीर की आवाज़ विच। आओ सुनते हैं तालका दियां रातां। रात 9 बजे तो बाद तालका एक बेसुध जिहा शहर लगता सी। धूड़ भरिया गलियां हनेरे नाल भरियां ते वीरान हो जांदियां। इदां लगता जिदा इत्थों दे लोकां ने खुद नूं घरां च लुको लिया है। लतीनी अमरीकी शहरां दे घरां दे चौंकीदार वांग तैनात कुत्तियां वांग इत्थों दे कुत्ते वी विच विच भौंक के शहर दी शांति नूं भंग करदे। चौराहे ते बेजान जिहे रुख ते कुछ ड्राइवर अपनियां गड्डियां दे नाल खड़े नज़र आउंदे। पूरे शहर दा माहौल उनिंदरा जिहा लगदा। अद्धी रात नूं रेल गड्डी दे आउंदिया ही स्टेशन ते चहल पहल शुरू हो जांदी। इधरों उधरों शोर सीटियां घोड़ियां दीआं टापां दीआं आवाज़ां सुनाई दिंदियां। इस तो बाद एकदम खुल के बंद हो जाने वाले होटल दे दरवाजे की आवाज़, फिर कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति। एक लाइट च बने बेतरतीब मकान हनेरे च गवाज जांदे। दूर रंगमंच दे पिछे एंड च पहाड़ां दा झुंड माण नाल सिर चुकी विखाई दिंदा। तालका च एक ज्वालामुखी भी सी। इस ज्वालामुखी चों रात नूं लपटां उठदियां। यह सब शहर के गहरी नींद विच सौं जाण तों बाद वापरदा। तालका मेरी रग रग विच वसदा सी। मेरियां यादां भी अजिहियां रातां नाल ही जुड़ियां होईयां ने। मेरी घर दी नुक्कर च एक विधवा अपनी धी नाल रहिंदी सी। वह मिश्रत भारती सी। वह बड़ी जबरदस्त औरत सी। उस विधवा का जर्मनी के एक अमीर ते खूबसूरत व्यापारी नाल विआह 7 साल तक चलिया, पर वह तंत्रिक विद्या का शिकार सी। इस विआह तो उस औरत दे एक धी होई जिहड़ी बड़ी अजीब सी, जमा उस विदेशी चिड़ी वांग जिसनू किसी इलाकाई पिंजरे च बंद कर दिता गया होवे। मेरे पिता इस विधवा के मोह जाल च फसे हुए सन। इस डरों के लोग तरह तरह दीआं गल्लां ना बनाउण, वह कई बार मैनू भी उहदे घर लै जांदे। वह दोवें मैनू ते कुड़ी नूं इकला छड्ड के खुद च मस्त हो जांदे। आखिर असीं दोवें एक दूजे प्रति आकर्षित हो ही गए। वह मेरा पहला प्यार सी, लड़कपन दा प्यार, बिल्कुल पवित्र सुंदर ते समुचे ब्रह्मांड च सब तो अनोखा। ते ओ प्यार जिहड़ा मुक्कण तो बाद साडे जीवन च बहुत घट असर रखदा है। मैं उहनूं अक्सर रात नूं मिलदा। असीं लोहे दे डंडियां वाली बारी दे दोवें पासे बैठ के एक दूजे दा हथ फड़ी घंटियां बद्धी गल्लां करदे रहिंदे। ओह बारी दे कोल आउण तों पहलां अपने बिस्तरे तों उठदी। उहने नाइटी पाया हुंदा ते उहदे वाल उहदी कमर नूं छूह रहे हुंदे। मैं हनेरे कमरे च उसदा परछावां देखदा। वह बड़ी नज़ाकत नाल बारी वाल आउंदी, मुस्कराउंदी ते बड़े प्यार नाल मेरे हाथ नूं चुम्मदी। चाननियां रातां च शहर दे लैंपां दी रोशनी मध्यम पै जांदी। सुनसान सड़कां ते हनेरे च रोशनी दा अजब मेल दिसदा। अजिहियां रातां च चिट्टा गाउन पाई ते खुले वाला वाली मेरी दोस्त किसे परी वांग लगदी। ओफेलिया सच्ची इन्हां हनेरियां रातां च दिलकश लगदी। इदां एक बहुत ही बेहतरीन माहौल तैयार हो जांदा जिहड़ा दिल दीआं गहराइयां च लै जांदा। साडा प्यार जिस दिशा वल जा रहा सी, जे उहनूं छड्ड देईए तां समुचा माहौल सचमुच शिंगार रस भरपूर सी। निश्चित रूप च विधवा ने मुंडे दे चरित्र दी तुलना प्यो दे चरित्र नाल कीती होवेगी। इसे लई मुलाकात दे पहले दिन ही उहने सावधानी वरतनी शुरू कर दित्ती। उह दरवाजे ते 2 जिंदरे ला के रख दी। इह जिंदरे दूजे दिन सवेर तक लगे रहिंदे। इन्हां दिनां च मैं स्कूल दी पढ़ाई मुकम्मल करके यूनीवर्सिटी दे दाखले दी तैयारी कर रहा सी। मेरे आखिरी इम्तिहानां तों कई हफ्ते पहला पिता जी दक्खण दी इक यात्रा लई चले गए। वह मेरे लिए घर वेखण गए सन जिस नाल मैं अपनी यूनीवर्सिटी के दिनों उत्थे रह सकां। मेरे पिता जी बड़े ही चुस्त इंसान सन। उन्हां च सैनका जिही फुरती ते टप्पर वासियां दे खास गुण सन। मैं उन्हां दे हुक्म दी बिना ना नुक्कड़ दे पालणा करदा सी। मेरे पिता जी दे जाण दे उपरंत मैं अपने रिश्तेदारां नाल रहिण लग्या। मैं जल्दी ही सौण चलिया जांदा ते कुछ घंटिया बाद जदों पूरा परिवार गूढ़ी नींद विच सौं जांदा, मैं वधेरे ध्यान नाल कमरे चों निकल के वरांडे विचों हो के लक्कड़ दा दरवाजा टप के गली विच पहुंचदा। अद्धी रात तों सवेर 4 बजे तक मेरा वक्त लोहे दे डंडियां दे दूजे पासे लंघदा ते उत्थे बह के मैं अपने महबूब दा हथ चुम्मदा। घरों जिवें निकलदा सी परतदा वी उवें। सवेर दे नाश्ते दे समय मैं बाकी परिवार नाल अपनी थां ते हुंदा। इह सब 1 महीने तक हर रात हुंदा रहा। मेरे इस खतरनाक खेड बारे किसे नूं शक ना होया क्योंकि वह पढ़ाई प्रति मेरी गंभीरता नूं वेख के वधेरे प्रभावित होए। इस दौरान उसकी माँ
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਓਫੇਲੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੀ। ਉੜਦੀ ਧੂੜ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁੜ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਘੱਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਪਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਟਹਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਖਰ ਧੁੰਦਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਓਫੇਲੀਆ ਦੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ 12:45 ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ 8:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸੀ।